कोई भी कभी भी यह नहीं कह पाया है कि विभिन्न पवित्र ग्रंथों के अनुसार दुष्शिव या विष्णु के बीच कौन बड़ा है। पुराण शिव और विष्णु हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति में से दो एक दूसरे के लिए प्रेम भक्ति और प्रशंसा का सबसे विशेष बंधन साझा करते हैं। दो भगवान हालांकि पुराणों में इन दो अवतारों के बीच लड़ाई के बारे में कहानियां हैं। पहली कहानी शिव के शेरवा अवतार और विष्णु के नरसिंह अवतार के बीच लड़ाई की है, जो शिव पुराण में पाया जाता है। भगवान विष्णु ने नरसिंह का सबसे क्रूर रूप धारण किया और असुर राजा हिरण्यिका को मारने के लिए जहाज को मार डाला। प्रहलाद हिरण्यिका जहाज को मारने के बाद भी नरसिंहराज शांत नहीं हुआ और उसके क्रोध ने दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी। ब्रह्मांड में किसी ने भी भगवान शिव के क्रोध का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। भगवान शिव सिंपली भात्रा के अनुरोध पर नरसिंह से निपटने के लिए, लेकिन वीरभद्र नरसिंह पर जीत नहीं सका। जब वह सफल शिव प्रकट हुए, शिव ने एक भाग पशु और भाग पक्षी का रूप धारण किया, जिसका नाम शर्वा से तमेनार सिंह डाउन शेरवा अवतार था। नरसिम्हा को उनकी कहानी के लिए और इस प्रकार उन्हें स्थिर कर दिया और अंततः नरसिम्हा के क्रोध को शांत कर दिया। दूसरी कहानी शिव पुराण के शत्रुत्रा संहिता से है, जो एक अन्य घटना के बारे में बताती है, जब विष्णु को शिव के ऋषि अवतार के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा था। हालांकि कहानी की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि किसी भी अन्य ग्रंथ या संहिता में कोई समान ग्रंथ नहीं पाया गया है। समुद्र के मंथन से विष्णु ने मोहिनी का सबसे आकर्षक रूप धारण करके असुरों को बरगलाया। हालांकि शिव पुराण में कहानी का एक संशोधित संस्करण है, जिसमें समुद्र के मंथन से सुंदर अप्सराओं का एक झुंड आता है। उनकी सुंदरता से मुग्ध असुरों ने अप्सराओं का अपहरण कर लिया और उन्हें पाथल लोक में ले गए। उसके बाद वे अमृत पर नियंत्रण करने के लिए वापस आ गए, लेकिन देवताओं ने पहले ही अमृत पर नियंत्रण कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं को बचाने के लिए देवताओं और असुर विष्णु के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई और उन्होंने असुरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लड़ाई के दौरान वह उनका पीछा करते रहे। पाताल लोक में असुरों को हराने के बाद पाताल लोक में विष्णु सुंदर अप्सराओं के सामने आते हैं और कर्ण के तीर से उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं। उन्होंने कई अनैतिक पुत्रों को जन्म दिया, जो विष्णु के विनाशकारी पुत्रों के लिए हंगामा करने के लिए गए थे। उनमें बहुत ताकत और वीरता थी और दोनों में स्वर्ग था। पृथ्वी ने संसार को हुए नुकसान को देखकर सभी को दुहक दिया। देवों और ऋषियों ने ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। तब ब्रह्मा विष्णु के पुत्रों द्वारा की गई तबाही की सूचना देते हुए शिव के पास गए। भगवान विष्णु के इन क्रूर पुत्रों से छुटकारा पाने के लिए शिव ने एक बैल का रूप धारण किया। जैसे ही ऋषभंड ने भगवान विष्णु के सभी क्रूर पुत्रों को मार डाला, श्रीवास रिस्पा अवतार पर बाणों से हमला किया और निर्वासित, लेकिन शिव एक बैल के रूप में एक पहाड़ की तरह खड़े हो गए। विष्णु की उन सभी मिसाइलों को पकड़ लिया। एक संक्षिप्त युद्ध के बाद विष्णु ने महसूस किया कि यह शिव थे जो वह लड़ रहे थे। अपनी माया से बाहर आए और अपने निवास पर लौट आए। तीसरी कहानी शिव और कृष्ण के बीच लड़ाई की है। विष्णु का कृष्ण अवतार, जो कि विष्णु पद्वत का एक हिस्सा है, यह कहानी भी श्रीमद् भागवतम वनासर का एक हिस्सा है। प्रहलाद के 10वें वंशज थे और बाली के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे, क्योंकि वह बचपन से ही भगवान शिव के शौकीन थे। उन्होंने ध्यान किया और एक शांति भगवान शिव की पूजा की, उसे और उसे 1000 शक्तिशाली भुजाओं की हड्डी दी, जो उसे बहुत शक्तिशाली बना देगी। बाणासुर ने वरदान मांगा कि जब भी वह संकट में होगा तो शिव हमेशा उसकी रक्षा करेगी। शिव ने उसे दिया कि हड्डी दीवरनासो की उषा नाम की एक बेटी थी, जो कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्यार करती थी। उषा और अनिरुद्ध के बीच गुप्त प्रेम के बारे में पता चलने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उसे बंदी बना लिया। इसलिए कृष्ण बलराम और द्वारका की सेनाओं के साथ बाणासुर को हराने के लिए आए। अपने पोते बलराम को अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया, बाणासुर की सेना को नष्ट कर दिया। सुरक्षा के लिए भगवान शिव अपनी हड्डी से बंधे हुए थे और बाणासुर की रक्षा के लिए कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया था। तब शिव ने उसे फॉलो करने के लिए एक तरकीब दी। कृष्ण ने एक तीर फेंका, जिससे भगवान शिव सो गए। इसके बाद कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की सभी भुजाओं को काट दिया। आखिरकार उन्होंने सुदर्शन चक्र को बाणासुर के सिर को काटने का आदेश दिया, जब शिव जाग गए ताकि उनके सुदर्शन चक्र को अवरुद्ध किया जा सके। जबकि सारी कहानी हमने भगवान शिव के अवतारों के बीच तक सुनाया है, केवल एक कहानी है जो शिव और विष्णु के बीच युद्ध के बारे में बात करती है। यह कहानी रामायण के बालखंड के 75वें सकल में पाई जाती है, जहां पराशम भगवान राम को कहानी सुनाते हैं और उन्हें एक बार सभी देवों को सिकोड़ने के लिए चुनौती देते हैं। ब्रह्मा से पूछा कि नीले गले वाले भगवान शिव और सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु में कौन अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मा ने यह पता लगाने के लिए दोनों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की कि युद्ध में श्रेष्ठ कौन था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने एक युद्ध किया जिसने विनाशकारी धनुष को पंडु बना दिया।
शिव टूट गए और शिव जमे हुए थे, उनके धनुष को बेकार कर दिया गया था और भगवान विष्णु का धनुष शामिल। तब से देवताओं के साथ साथ एकत्रित ऋषियों के साथ विष्णु को सर्वोपरि माना गया था।